आज सुनेंगे 29 अक्टूबर 1970 की अव्यक्त वाणी के अव्यक्त ज्ञान बिंदु। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपों की माला है ना, लोग दीपमाला मनाते हैं और बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका द्रुत कभी खुटता नहीं, वही अखंड चलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों की यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं दीपमाला के दिन। दो बातें विशेष ध्यान पर रखनी होती है। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं, परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं, तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। यह सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। अपने आप से संतुष्ट हो? जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है, लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। जितना जो आह्वान करेंगे उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आह्वान करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वह भी धारण करते हो। जब मरचीवा बने, नया जन्म, नए संस्कारों को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वह बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना। सुना बाबा ने खास हम बच्चों को या अंडरलाइन कराया, जो भी कमजोरियां है, कमियां है, निर्बलता है या कोमलता है, उस पुराने सारे खाते को आज समाप्त करो। यही दीपमाला मनाना है, अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना। यही दीपावली मनाना। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन
क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है, कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है, वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नज़ारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आँखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आह्वान करना है। अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ, कल्प पहले यह किया होगा, लेकिन पीछे यह शब्द बदल जाएंगे, इस कल्प की बात हो जाएंगी। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएंगी जैसे कल की, जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई देती है, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो आपका तीसरा नेत्र कल्प पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा व अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना। नवीनता को धारण करना, यही आज के दिन का मंत्र है। रत्न जड़ित चोला छोड़, जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नज़ारे, सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति और आने वाले राज्य के नज़ारे, नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दाव लगाया है, वह जो भी मिले वह अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, इसलिए सदैव यह दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे, हो ही जाएगा।
पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह शब्द भी ना निकले, करके ही दिखाएंगे, बन कर ही दिखाएंगे। यह निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल, और वह है कमानधारी बच्चों का बोल। बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कहीं सोचते हैं कोई तो वह भी नहीं बनेंगे ना। इस बात में दयालु न बनो, कोई तो बनेंगे, इसलिए हम ही बन जाए। ऐसे बनने वाले बहुत है। अच्छा, ओम शांति।